मुशाबनी प्रखंड के ऊपर बांधा जंगल में 33,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत के बाद आज मृत हाथियों का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता अपनी टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता दीपक कुमार ने कहा कि वर्षों से पुरानी 33,000 वोल्ट के तार खींचे गए हैं। 50 साल पुरानी होने के कारण 33,000 वोल्ट तार के टावर की दूरी लंबी है, जिससे तार झूल रहे हैं। यह तार से HCL ICC कंपनी को बिजली जाती थी, इसकी देखरेख भी HCL ICC किया करती थी। निरीक्षण में पाया गया कि टावर की दूरी कम है और इसे दुरुस्त किया जाएगा। पोस्टमार्टम के दौरान वन विभाग की DFO ममता प्रियदर्शी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। DFO ममता प्रियदर्शी ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इससे पहले चाकुलिया में 2 हाथी और फिर मुशाबनी 5 हाथी की मौत से वन विभाग गंभीर है और यह माफी लायक नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने सभी हाथियों को दफनाया, जिसके बाद उस पर पीपल का पौधा रोपण कर पूजा अर्चना कर सभी को नमन किया गया। इस मौके पर घाटसिला SDO सत्यवीर रजक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। घाटसिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 5 हाथियों की मृत्यु हुई है, अभी उनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ हम देख सक रहे हैं कि ऊपर बांध मौजा में, जो कि बेनासोल जंगल के पास में है, यहाँ हाई टेंशन वायर 33 KVA पास कर रहा है। इस हाई टेंशन वायर की ऊंचाई हमने नाप के देखी है, जिसका कि वीडियो भी है, 10 फीट है। तो 10 फीट हाई टेंशन वायर में अगर हाथियों को इलेक्ट्रिक्यूशन से मृत्यु हो जाती है, तो ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। और क्योंकि ये हाई टेंशन वायर HCL के लिए पास कर रहा था, तो HCL के अधिकारियों को भी इसमें सचेत होने की ज़रूरत है। वन विभाग अपना कार्य कर रही है, वो अभी पूरे मुशाबनी प्रक्षेत्र में एक मॉनिटरिंग करेंगे, जो कि 3 दिनों में अभियान चलेगा। 3 दिनों के अभियान में हम उन सारे जगहों को चिन्हित करेंगे जहां की ये सैगिंग वायर्स या झूलते हुए तार मौजूद है, और इसकी सूची हम बिजली विभाग को उपलब्ध कराएंगे और बिजली विभाग के साथ मिलकर इस पे कार्रवाई करेंगे। इससे संबंध में आज हम लोग इसको विस्तृत जांच के लिए तो पहुंचे हैं। यहाँ पे स्थिति का निरीक्षण किया गया, इससे इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जो कि अपना रिपोर्ट अभी सबमिट करेगी, और मैं खुद भी यहाँ पे आपका निरीक्षण किया हूँ। इस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण में क्या पाए? निरीक्षण में पाए कि ये जो लाइन है अभी एट प्रेजेंट 33 KVA लाइन है, ये HCL को जाता है और ये काफ़ी पुराना है, 50 साल से ऊपर पहले का कंस्ट्रक्टेड है। DVC द्वारा ही इसका निर्माण किया, उसके बाद तदुपरांत HCL को ट्रांसफर हुआ, फिर HCL से अभी JVNL का लाइन जा रहा है। वहाँ पे HCL को HCL ही इसको मेंटेन करता था, और जो बैनालोपा सब स्टेशन से HCL तक जो जा रहा है कि स्पैन काफ़ी लंबा है। एट प्रेजेंट जो हम लोगों का मापदंड है, काफ़ी पहला कम स्पैन रखते हैं, एक पहले का बना हुआ और डबल सर्किट है, इस वजह से क्या विघट घटना हो सकती है। वहाँ पे लाइन के बीचों बीच एक ट्रेंच भी खुदा हुआ है, उससे थोड़ा मिट्टी भी ऊपर नीचे है, जिससे कि अब ये विस्तृत जांच के बाद ही पता लगेगा कैसे क्या हुआ। क्या तार को ऊपर किया जाएगा? बिल्कुल, इस पर आवश्यक कार्रवाई। क्या समय समय पर इसकी जांच नहीं होती थी क्या जी? आखिर में जंगल है यहाँ पर, हाथियों का कॉरिडोर है, तो इसकी जाँच नहीं होती थी क्या? नहीं, जाँच की गई है, लेकिन इसका मेंटेनेंस चूँकि HCL के द्वारा किया गया है, और ऐसा नहीं कि कहीं तार टूटा हुआ है, तार हाँ काफ़ी पुराना है, पहले का लाइन है और स्पैन लंबा है, और चूँकि ज़मीन का भी ऊपर नीचे किस तरह से कैसे हुआ है ये जांच का विषय। आने वाले समय में सर किस तरह दुरुस्त किया जाएगा, क्या स्पैन लगाए जाएंगे? स्पैन बीच में या तो किया जाएगा या फिर उसको कैसे ऊपर करेंगे, अब इस पर हम लोग सबमिट करेगी रिपोर्ट, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अलावा और भी कहीं की सूचना? इस तरह से वन विभाग द्वारा भी नहीं भी तो 50 जगह को चिन्हित किया गया, अभी दिया गया, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है हमारा, और सभी को